अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये टॉपिक जो है ये हमारे ओ लेवल्स का भी पार्ट है और ए एस लेवल का भी पार्ट है। ओ लेवल्स में भी हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है और ए एस लेवल में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। बेटे, इस टॉपिक को समझने के लिए ना पहले आप टू पार्टीज को ज़रा देखें। टू पार्टीज में मैं एक पार्टी ले लेता हूँ मिस्टर सॉल्ट, और एक पार्टी ले लेता हूँ मैं मिस्टर मिजान बैंक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप ऑफ टू पार्टीज, एक है मिजान बैंक और एक है मिस्टर सॉल्ट। अब बेटे सपोज करो, सॉल्ट अगर मिजान बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है तो सॉल्ट उसकी डेबिट क्रेडिट करेगा। सॉल्ट कहेगा मिजान बैंक मेरा एक एसेट है, इंक्रीज हो गया है डेबिट, और सॉल्ट कह देगा कैश मेरा एक एसेट था कम हो गया है क्रेडिट। अब बैंक को आइदर एसेट ले लो, बैंक को आइदर रिसीवेबल ले लो। देखो ना, सॉल्ट ने बैंक से पैसे लेने हैं ना जी, अल्लाह वास्ते थोड़ी दिए, सॉल्ट से पैसे लेने। तो मिजान बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बेटे सेम डेट पे मिजान बैंक क्या करेगा? मिजान बैंक कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह कैश आ गया तो डेबिट, और मिस्टर सॉल्ट क्रेडिट। मिस्टर सॉल्ट को एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा बैंक, दैट्स व्हाई क्रेडिट। तो आप देखें, सॉल्ट बैंक को डेबिट करता है क्योंकि सॉल्ट के लिए बैंक एसेट है, डेबिट होता है। बैंक सॉल्ट को क्रेडिट करता है क्योंकि बैंक के लिए सॉल्ट अब लाइबिलिटी है। तो बेसिकली बेटे ये एक टू पार्टी रिलेशनशिप पे टॉपिक है जिसमें एक पार्टी ने पैसे रिसीव करने हैं तो उसके लिए एसेट है तो नेचर डेबिट है, दूसरी पार्टी ने चूंकि पैसे पे करने हैं उनके लिए लाइबिलिटी है तो नेचर क्रेडिट है। सॉल्ट कहेगा मैंने 10,000 रुपया या 5,000 रुपया या 1,000 रुपया डेबिट है रिसीव करना है। बैंक कहेगा 1,000 रुपया हमारी लाइबिलिटी है, हमने सॉल्ट को पे करना है। अब सपोज करते हैं सॉल्ट ने और पैसे जमा करवाए, सॉल्ट एंट्री करेगा मिजान बैंक फिर से डेबिट। सॉल्ट अब बड़ा हो गया ना जी, सॉल्ट को पता है यार बैंक चार भी हो सकते हैं, मिजान बैंक भी, HBL भी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी। तो जिस बैंक में जमा करवाएंगे वो वाला बैंक, मिजान बैंक डेबिट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड डेबिट, मिजान बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। सॉल्ट ने और 500 डिपॉजिट करवा दिए। सेम डेट पे बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा आगे पैसे कैश डेबिट, और वो कहेगा मेरी लाइबिलिटी जो है सॉल्ट को मैंने और पे करना है, लाइबिलिटी विल गो अप, और फिर वही सिचुएशन। अब सॉल्ट कह रहा है मेरा एसेट है 1500 का, और बैंक कह रहा है मेरी लाइबिलिटी है 1500 की। सॉल्ट के लिए बैंक जो है वो एसेट है, बैंक के लिए सॉल्ट एक लाइबिलिटी है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ एक पार्टी का डेबिट दूसरी पार्टी का क्रेडिट होगा, क्योंकि सॉल्ट के लिए एसेट है डेबिट, बैंक के लिए लाइबिलिटी है क्रेडिट। अब जरा थोड़ी सी एक सिचुएशन चेक करो। अब सॉल्ट ने फिर क्या किया? सॉल्ट ने एक बंदे को पेमेंट के लिए चेक इशू कर दिया, सॉल्ट की लाइबिलिटी थी। सॉल्ट ने कहा भाई हमारी एक लाइबिलिटी थी मिस्टर अली, वो लाइबिलिटी अब नहीं रही, दैट्स वाई डेबिट। और सॉल्ट ने कहा मेरा मिजान बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। सॉल्ट ने अपनी तरफ से मिजान बैंक के थ्रू मिस्टर अली को $200 की पेमेंट कर दी है। अब बेटे हुआ क्या, अली साहब बैंक गए ही नहीं। अली साहब ने जेब में चेक रख लिया, उनको किसी ने कह दिया है कि जी चेक तो 6 महीने तक वैलिड है। वो कहते हैं ले लूँ लूँगा, आप जैसा है ना जी ले लेंगे, सामने दौड़ जाना है, सॉल्ट ने दौड़ जाना है, हमने दौड़ जाना है, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, जिस तरह हमने सारे काम ज़िंदगी में कल परसों ही किए हैं, इस तरह हमने ये भी कल परसों पर डाल दिया। अब मसला क्या हुआ अली साहब की इस हरकत की वजह से, कि जब अगर लेट्स सपोज ये मंथ की आखिरी डेट थी और हमने सॉल्ट ने अली को चेक दे दिया, सॉल्ट ने तो समझ लिया पैसे गए, क्योंकि सॉल्ट के पास तो एविडेंस है। सॉल्ट के पास क्या एविडेंस है? एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज चेक काउंटर फॉइल। आपने देखा होगा चेक बुक के साथ एक छोटी सी स्लिप होती है, वो स्लिप जो है वो सॉल्ट के लिए एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन है, चेक काउंटर फॉइल बोलते हैं। सॉल्ट ने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब जरा मंथ एंड पे देखो, सॉल्ट को लगता है कि सॉल्ट के 1000 थे प्लस 500 माइनस 200, सॉल्ट अपनी तरफ से लेजर बना के 1300 डेबिट पे खड़ा।
सॉल्ट कहता है मैंने 1300 देने हैं, बैंक कहता है हमने आपके कितने देने हैं, 1500। लो जी मुबारक हो, मुबारक हो जी, आपको लगता था 1300 है, असल में तो कितने पड़े हैं, 1500। तो हुआ क्या कि मिस्टर अली के चेक के प्रेजेंट ना होने की वजह से आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल नहीं आया। जब ये दोनों बैलेंस बेटे इक्वल नहीं आते तो फिर हमें इनको रिकनसाइल करना पड़ता है। आप देख लें, ये एरर नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये टाइमिंग इश्यूज हैं जी। क्या जी? टाइमिंग इश्यूज हैं। हुआ क्या जी? हुआ क्या कि अली ले लेगा, चूंकि मंथ एंड हो गया है, हो सकता है मंथ की लास्ट डेट हो, किसी एक मंथ एंड पे सॉल्ट का बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम नहीं है। द रीजन सम ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक बट रिकॉर्डेड बाय सॉल्ट, और अभी अभी मैं सिखाता हूँ, सम ट्रांजेक्शंस आर ओनली रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय सॉल्ट। तो कुछ ट्रांजेक्शंस, फिर मैं बता रहा हूँ यार, ये एरर नहीं है, कुछ ट्रांजेक्शंस किसी एक पार्टी ने रिकॉर्ड की हैं, दूसरी कर लेगी, दूसरी पार्टी इसको रिकॉर्ड कर लेगी, परेशान ना हो, टाइमिंग इशू है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन उस टाइमिंग इशू की वजह से किसी एक डेट पे जो कि मेरा मंथ एंड था, सॉल्ट की स्टेटमेंट और बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद रहे, सॉल्ट जो काम करता है, दैट काम इज कैश बुक। सॉल्ट अकाउंट बनाएगा, उस अकाउंट को बोलते हैं कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक है जी जिसके 3 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम में कैश आता है, एक कॉलम में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं, एक में डिस्काउंट आती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक वाले मसले में हूं, कैश और डिस्काउंट को भी मैं नहीं देख रहा इस टॉपिक में, मैंने बैंक का सिस्टम देख। तो कैश कैश बुक का बैंक कॉलम है जो सॉल्ट ने बनाया होगा। मिजान बैंक क्या करता है? मिजान बैंक आपके नाम से बैंक स्टेटमेंट बनाता है। इस बैंक स्टेटमेंट पे मिजान बैंक अगर कहता है कि बैलेंस क्रेडिट है, तो मिजान बैंक कहता है मेरी लायबिलिटी है। जैसे ये मिजान बैंक कह रहा है मेरी लायबिलिटी है, मैंने सॉल्ट के देने वही 1500, सॉल्ट के पास 1500 एसेट होना चाहिए, लेकिन अली साहब की वजह से मसला हुआ। सॉल्ट का कोई मसला नहीं, बैंक का कोई मसला नहीं, अली साहब की वजह से एक इशू हुआ कि एक ट्रांजेक्शन सिर्फ एक पार्टी ने रिकॉर्ड की है, इस वजह से हम ये टॉपिक पढ़ते हैं जी। सो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो पढ़ने की रीज़न क्या है कि भाई दो पार्टीज़ हैं, उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप है। सॉल्ट के लिए बैंक एसेट है, बैंक के लिए सॉल्ट लायबिलिटी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि सॉल्ट ने रिकॉर्ड कर ली हैं, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, तो दोनों पार्टीज़ का जो बैलेंस है वो सेम नहीं रहेगा। सॉल्ट की कैश बुक का बैलेंस जो है वो, और बैंक ने जो सॉल्ट के नाम से बैंक स्टेटमेंट बनाई है, दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा, बैंक उसमें बताएगा मेरी लायबिलिटी है। कैश बुक सॉल्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा, सॉल्ट बताएगा मेरा एसेट है। ठीक है जी, तो ये वो रीज़न है। और भी बड़े मसले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेक डिसऑनर हो गया है, सॉल्ट को पता ही नहीं चला। ठीक है जी, बैंक ने कोई बैंक चार्जेस काट लिए हैं, सॉल्ट को पता ही नहीं चला। सो कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जो सॉल्ट ने रिकॉर्ड नहीं की होंगी, कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की होंगी। इन दोनों तरह के इश्यूज को सॉर्ट आउट करके हम इस टॉपिक को सीख लेंगे। दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन कि यार ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, दोनों पार्टीज के दरमियान डेबिट और क्रेडिट का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी, अगली वीडियो में इसकी डिटेल में जाता हूँ।